पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। तो चलिए आज उसका आंसर जान लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रकृति नृत्य पाठ्य है। पुस्तक में जो सामान्य ज्ञान आधारित सीरीज मैंने प्रारंभ की थी, उसमें आज उसका दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम पार्ट 3, जो कि हमारा है गौरव पुरस्कार, उस पर बात करेंगे। उसमें जितने भी सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न मिलेंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो इन दोनों पेजेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए, इंडोर गेम। तो इंडोर गेम क्या होते हैं बच्चों? पहले बात तो हम समझ लें कि खेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं इंडोर गेम और दूसरे होते हैं आउटडोर गेम। तो इंडोर गेम हम किसे कहते हैं? इंडोर गेम वे सारे खेल होते हैं जो भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी भी बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। तो इनमें कौन कौन से खेल आ सकते हैं हमारे? शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, लूडो, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है आउटडोर गेम। तो आउटडोर गेम कैसे होते हैं? जिसके लिए हमें कुछ बड़े ग्राउंड की, मैदान की जरूरत होती है और हम ज्यादा संख्या में वहां पर लोगों के साथ उनको खेलते हैं। इसका अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अब कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से खेल सकते हैं। इसमें कौन कौन से खेल आते हैं? जैसे एक हमारा हो गया बैडमिंटन और एक हो गया टेबल टेनिस। इन्हें हम ग्राउंड में भी जाकर खेल सकते हैं और चाहे तो अपने घर के किसी स्पेसिफिक एरिया में भी खेल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के खेलों से संबंधित हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है पीटी उषा, बीना मोल, बालसम्मा, रोजा कुट्टी। ये सभी लोग किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। किस से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। कौन कौन? पीटी उषा, बीना मोल, बालसम्मा और रोजा कुट्टी। ठीक, एथलेटिक्स से संबंधित है। एथलेटिक्स का मतलब है दौड़ना, यानी कि रेस लगाना। फिर है बुला चौधरी। बुला चौधरी किससे संबंधित है? तैराकी से। सानिया मिर्जा, टेनिस। इसी तरह है अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, लंबी कूद से। मैरी कॉम, बॉक्सिंग। साइना नेहवाल, बैडमिंटन। साक्षी मलिक, कुश्ती। ठीक, ये कुछ नाम थे ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर है विराट कोहली, क्रिकेट में। शतरंज में कौन फेमस है बहुत ज्यादा? विश्वनाथन आनंद जी। और हॉकी में सरदार सिंह, ये कैप्टन भी रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो विराट कोहली जी हैं वो भी कैप्टन रहे हुए हैं। अब बात करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो इनको आप अपनी बुक में देखिएगा कि कौन कौन से खेल से संबंधित हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न इधर भी हैं, जैसे महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट से। मैरी कॉम, मुक्केबाजी से। बुला चौधरी, तैराकी से। ये हमने आगे भी पढ़ा हुआ था। अब यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज के नाम दिए हुए हैं जो अलग अलग खेलों से संबंधित हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पर पहला नाम दिया गया है रणजी ट्रॉफी। तो जो रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल में मिलती है? क्रिकेट में। संतोष ट्रॉफी मिलती है फुटबॉल में। डेविस कप मिलता है टेनिस में। और आगा खान ट्रॉफी मिलती है हॉकी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया है कि इन खेलों से संबंधित हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 हर टीम में। इसी तरह फुटबॉल में भी 11 होते हैं। टेनिस में आप एक या दो, एक या दो से मेरा यहाँ पर ये मतलब है या तो हर टीम में एक एक खिलाड़ी, यानी कि अपोनेंट आपका एक एक रहेगा, या फिर आप डबल्स के साथ खेल सकते हैं, यानी कि एक टीम में 2 लोग और सामने वाली टीम में भी 2 लोग। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। इसके बाद है आगा खान ट्रॉफी, जो कि हॉकी से संबंधित थी। तो हॉकी में हमारे होने चाहिए 11 प्लेयर। ठीक, तो ये इस तरह के खेल थे कुछ। ये सारी जीके से पार्ट 3 से हमारे रिलेटेड थी, बहुत कम थी, लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा उस क्षेत्र में अपना स्थान बनाया हुआ है अपने खेल के द्वारा। तो इनको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए और याद कर लीजिए।
तो आज का आपका प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में भारत ने कौन सा पदक जीता, और आप खिलाड़ी का नाम भी बता सकते हैं। तो चलिए खोजें और बताएं कि आज के प्रश्न को ढूंढना शुरू करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।